सतरूपा शीतला मंदिर में निगम महापौर की निधि से बना बाथरूम का 6 महीने बाद भी लोकार्पण नहीं हुआ है। बाथरूम में लटका हुआ ताला, जिसकी पूछ परख करने जिम्मेदार भी अब तक इस ओर झांकने नहीं आए हैं। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने सिविल लाइन स्थित सतरूपा शीतला मंदिर में भक्तों को सुविधा प्रदान करने बाथरूम का निर्माण कराया है, लेकिन महापौर निधि से हुए इस निर्माण के बाद निगम के अधिकारी इस जनहितकारी योजना को पूरी तरह भुला चुके हैं। शायद यही कारण है कि पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा बाथरूम समय के साथ जर्जर हालत में पहुँच चुका है और अपनी पहचान भी खो चुका है, जिसे लेकर सतरूपा शीतला मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि निगम की अनदेखी का खामियाजा मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की संवेदनशीलता निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने दिखाते हुए बाथरूम का निर्माण कराया था और विधायक निधि की महत्वपूर्ण राशि खर्च की थी, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि निगम अधिकारियों की अनदेखी के चलते निगम महापौर की महत्वाकांक्षी योजना दम तोड़ने की हालत में पहुंच गई है। इसके लिए निर्माण एजेंसी और निगम के अधिकारियों को दोषी उन्होंने ठहराया। साथ ही कहा कि दुर्ग नगर निगम महापौर द्वारा स्वच्छता को लेकर शहर भर में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जा रहे हैं, वहीं मंदिर परिसर जैसी जगहों पर निगम की अनदेखी के चलते गंदगियां फैलाई जा रही है। जरूरतमंद लोग यहां पहुंचकर भी दी गई सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को मंदिर समिति के अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मां सतरूपा के स्थान में समिति ने पिछले नवरात्र पर्व के समय में महापौर जी से निवेदन किए थे कि माताओं बहनों को यूरिनल के लिए बड़ी समस्याएं होती है और खुले में जो है वो भारी कष्ट उनको ऐसा उठाना पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो समिति की मांग पर महापौर जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत, एक अच्छी कल्पना के तहत, कि जो है किसी प्रकार की किसी को अव्यवस्था ना हो, यूरिन करने में कोई तकलीफ ना हो, और उन्होंने अपनी निधि से एक अच्छे यूरिनल हाउस का निर्माण कराया और यूरिनल उसमें जो व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, और ये जो एजेंसी थी, इस एजेंसी को इसको कंप्लीट करके समिति के हैंडओवर करना था। आज भी देखिए उसका ताला आज तक नहीं खुला हुआ है, आज तक उसका ताला नहीं खुला हुआ है और ना किसी प्रकार का उसमें कोई कनेक्शन किया गया है, ना कोई लाइट लगाई गई है, ना पानी की व्यवस्था है। और हमारी समिति का दुर्भाग्य है कि ये ऐसी बॉक्स को यहाँ रख दिया गया है जिससे इतने गंदगी हो गई है, पूरे तरफ लेटरिंग से भरा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है, है ना। श्रद्धालु जो है बड़ा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अब हमारी ये स्थिति है कि हम जो है नगर निगम के महापौर की इतनी अच्छी योजना, इतना अच्छी सोच के तहत, अब हमारी ये स्थिति कि हम नगर निगम कमिश्नर के पास जाएं और महापौर जी के पास कि भाई इस बॉक्स को हटवा लीजिए, गंदगी से पटा भरा है। यदि आप अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकते तो गंदगी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रहे हैं, पूरे शहर में ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं और ऐसी व्यवस्था यहाँ पे रखे हुए हैं कि समिति जो है बहुत ही दुखी है। और इस बॉक्स को हटाने के लिए हम कब से पड़ा है बॉक्स यहाँ पर, ये पिछले नवरात्र पर्व में जो कुमार पर्व का जो था 6 महीना पहले, उस समय से ये यथास्थिति रखान में रखा हुआ है। और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी महापौर के आदेशों की अवहेलना करते हुए इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की, इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।